तो सो भाई लोग, मैंने जैसे बताया कि आप लोगों को भाई चुटकियों में ऐसे फेस स्मूथ करना सिखाऊंगा, ठीक है ना, चुटकी में सिखाऊंगा भाई, चुटकी में। अगर आप लोग इस वीडियो पे क्लिक कर ही दिए हो तो भाई वीडियो को फुल वॉच करो, और भाई जिसको सीखना ना वही वीडियो को फुल वॉच करना आज की इस वीडियो का, ठीक है ना। और भाई जिसको नहीं सीखना वो अभी जा सकता, कोई दिक्कत नहीं है। और भाई जिसको सीखना वो भाई वीडियो को फुल वॉच करो। और वाक्य में अगर आपको फेस स्मूथ करना सीखना है, और भाई कोई मतलब मैं जानता हूँ कि भाई कोई रियल मतलब कोई नहीं बताता, आज तक कोई रियल नहीं बताया कि आखिर भाई फेस स्मूथ होता कैसे है। एंड भाई मैं आप लोगों को सिखाऊंगा कि आखिर भाई फेस स्मूथ कैसे करें हाई क्वालिटी में, और HD में फेस गोरा कैसे करें स्नैपसीड एप्लीकेशन से और प्लस स्केचबुक एप्लीकेशन से, ठीक है ना। तो बस आज की इस वीडियो को देख लो भाई, आप लोग मतलब समझ ही जाओगे, सीख ही जाओगे कि भाई आखिर फेस स्मूथ होता कैसे है, ठीक है ना। तो बहुत मेहनत से मैं ये वीडियो आप लोगों के लिए तैयार किया हूँ, बहुत रिसर्च किया हूँ, तभी जाकर मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूँ, ठीक है ना। तो भाई वीडियो को आप लोगों को क्या करना है एंड तक देखना, तभी आप लोगों को समझ में आएगा। अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और भाई बेल आइकन को प्रेस कर लेना, ठीक है ना। और भाई वीडियो को लाइक भी कर देना और एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है ना। तो मैंने जैसे बताया था कि भाई जिसको सीखना वही वीडियो को देखे, ठीक है ना, क्योंकि भाई ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाले है आज की इस वीडियो में, ठीक है ना। सिखाऊंगा कि आखिर फेस स्मूथ हाई क्वालिटी में और HD में HDR में कैसे करें। तो चलते सीधे अपने वीडियो की ओर एंड आप लोगों को सिखाते हैं। तो भाई मैंने बोला था चुटकी में, ठीक है ना। तो भाई इसके लिए भाई कुछ नहीं करना पड़ेगा, मैं सच में बोल रहा हूँ, ठीक है ना भाई। चुटकी के लिए भाई अगर आपको कम समय में अगर फेस स्मूथ करना है, फ़ोन का फोटो रहे या कैमरा का फोटो रहे दोनों चलेगा, ठीक है ना। यहाँ पे देखो भाई कितना गंदा पिक है, कितना ख़राब, कितना बेकार, कितना मतलब ख़राब पिक है, ठीक है ना। तो इसको भाई हम लोग शॉर्टकट में फेस स्मूथ करेंगे। सबसे पहले तो भाई यहाँ पे देख लो कितना गंदा पिक है, ठीक है ना, यहाँ पे देख सकते हो। और भाई मैंने इसी पिक को कुछ इस टाइप से कर देंगे तो मतलब खुश हो जाओगे ना, उस पिक को भाई कुछ इस टाइप से कर देंगे तो आप लोग कितना खुश हो जाओगे, ठीक है ना। और भाई मुझे भी पता है कि भाई मैं भी बहुत खुश हो गया था। एंड उसी पिक को देखो कितना एकदम हाई क्वालिटी में एडिटिंग किया हूँ। तो इसको भाई कैसे करें, तो सबसे पहले ये कंडीशन जान लो, ठीक है ना। शॉर्टकट में भाई मैं आप लोगों को सिखा रहा हूँ एंड भाई चुटकी में, ठीक है ना, मैं जो बोलता हूँ वो करता हूँ। तो इसके लिए भाई कुछ मत कीजिएगा, यहाँ पे रिमली एप्लीकेशन होगा, प्ले स्टोर पर अवेलेबल होगा या तो आपके फ़ोन में पहले से ही होगा रिमली एप्लीकेशन, ठीक है ना। तो आप लोग क्या कीजिएगा, इस रिमली एप्लीकेशन को ओपन कर लीजिएगा, ठीक है ना, और अपने पिक को सेलेक्ट कर लीजिएगा सीधे। यहाँ पर देख सकते हो कुछ इस टाइप से एक ऐड आएगा, फुल वॉच कर लेना है। एंड यहाँ पे थोड़ा सा एक सेकंड दो सेकंड वेट करना, कुछ सेकंड। एंड यहाँ पे देख सकते हो भाई, आप सभी के सामने में देख सकते हो कितना गंदा मतलब कितना ख़राब पिक था, ठीक है ना। और यहाँ पे आप लोग के सामने में देख सकते हो भाई कितना एकदम खतरनाक, कितना जहर हो गया, ठीक है ना। बस अभी तो भाई वन क्लिक में ऐसे हो गया, ठीक है ना। तो अपने पिक को एडिट करो तो भाई सबसे पहले यही काम करो, फ़ोन का फोटो रहे या कैमरा का फोटो रहेगा चलेगा, ठीक है ना। अब हम लोग क्या करेंगे, इस पिक को भाई शेयर कर लेंगे सीधे अपने स्नैपसीड एप्लीकेशन में। तो आप यहां से स्टार्ट कर देते हैं एडिटिंग को, और ध्यान से देखिएगा और स्टेप बाय स्टेप फॉलो कीजिएगा, ठीक है ना। टूल पे क्लिक कर दीजिएगा, एंड टूल पे क्लिक करने के बाद आप लोग ट्यून इमेज पे क्लिक कर दीजिएगा, ठीक है ना। इतना करने के बाद हम लोग एम्बुलेंस को क्या करेंगे भाई, हल्का सा बढ़ा देंगे, एंड यहाँ पर शैडो को भी हल्का सा बढ़ा देंगे। भाई एडिटिंग करने से पहले एडजस्ट करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है ना। एंड फिर से हम लोग टूल्स पे क्लिक कर देंगे। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे सिलेक्टिव टूल्स ले लेंगे, ठीक है ना। एंड भाई इसका क्या काम रहता है, आपको जहाँ भी काला मतलब लगता है ब्लैक पार्ट, आप लोग सेलेक्ट करके हल्का सा ब्राइटनेस को इनक्रीज कर दीजिएगा, ठीक है ना। हाँ, वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, नहीं तो समझ में नहीं आएगा, ठीक है ना, गला फंस जाता भाई, ठीक है ना। तो जैसे जैसे मैं यहाँ पे कर रहा हूँ ब्राइटनेस को इंक्रीज कर रहा हूँ, जहाँ पे ब्लैक पार्ट मुझे नज़र में आता है, तो आप लोग भी ऐसे ही कर लीजिएगा। एंड इस पिक को भाई शेयर कर लीजिएगा लाइटरूम एप्लीकेशन में, कहाँ पे, लाइटरूम एप्लीकेशन में। एक एप्लीकेशन बढ़ गया, टेंशन मत लो, बस ये छोटा सा काम है, बस 20 से 30 सेकेंड का काम है। यहाँ पर मैं लाइटरूम एप्लीकेशन को ओपन कर लेता हूँ, एंड ओपन करने के बाद तो भाई ओपन कर लेंगे। यहाँ पर देखो ये प्रीसेट है, ठीक है ना, जो कि भाई लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से आप लोग इस प्रीसेट को डाउनलोड कर लीजिएगा एंड इसका कॉपी सेटिंग कर लीजिएगा, ठीक है ना। एंड यहाँ पे 3 डॉट पे क्लिक कर देंगे, वहाँ पे हम लोग कॉपी किए थे, यहाँ पे हम लोग पेस्ट कर देंगे। हाँ, स्किप मत कीजिएगा, नहीं तो समझ में नहीं आएगा, तो भाई मुझे मत बताना।
एंड यहाँ पे देख सकते हो भाई आप सभी के सामने में भाई मैं कुछ किया भी नहीं, और भाई यहाँ पे वन क्लिक में देखो कितना एकदम हार्ड एडिटिंग हो गया, ठीक है ना। अभी तो भाई वन ही क्लिक में इतना हार्ड कर दिया हूँ, तो भाई अभी देखो आगे होता है क्या क्या, ठीक है ना। तो आप लोग भाई वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, मैं यही बोलूँगा तभी आप लोगों को समझ में आएगा, और जो जो मैं स्टेप बता रहा हूँ आप लोग उस स्टेप को फॉलो कीजिएगा। अगर एक बार समझ में नहीं आता है तो दोबारा देखो भाई, आप लोगों को समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। और इतना करने के बाद हम लोग यहाँ पे स्केचबुक एप्लीकेशन को ओपन कर लेंगे, सीधे यहाँ पे स्केचबुक एप्लीकेशन को ओपन कर लेंगे एंड यहाँ पे अपने पी को इनपुट कर लेते हैं। इस पर क्लिक कर दीजिएगा थ्री डॉट पे एंड यहाँ पे गैलरी पे क्लिक कर दीजिएगा, ठीक है ना। यहाँ पे देख सकते हो गैलरी पे, यहाँ पे डिस्कार्ड पे क्लिक कर देना, और एक बार और डिस्कार्ड पे क्लिक कर देना, ठीक है ना, डिस्कार्ड है ना। हाँ, अब प्लस पे क्लिक करके गला फंस जाता, ठीक है ना। और यहाँ पे अपने पी को क्या कीजिएगा, इंपोर्ट कर लीजिएगा, ठीक है ना। यहाँ पे जैसे मैं कर लिया हूँ, अब भाई हम लोग क्या करते हैं, सीधे फेस स्मूथ करते हैं एकदम मस्त तरीका से, एकदम जेन्युइन तरीका से और एकदम रियल तरीका से, ठीक है ना। और आपको सिखाते हैं कि आखिर फेस स्मूथ होता कैसे, फेस गोरा एंड फेस वाइट तो कर के दिखा ही दिया हूँ आप लोगों को, अब बात रह गया फेस स्मूथ करने का, ठीक है ना। जितना भी ब्रश है ना भाई स्केचबुक एप्लीकेशन में, हम लोग सबसे मतलब फेस स्मूथ कर सकते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे जैसे मैं ये इस ब्रश से करके दिखाता हूँ, ठीक है ना। अभी रुको रुको भाई, इससे नहीं होगा अच्छा, मुझे पता है भाई, मैं आप लोगों को अच्छा ब्रश बताता हूँ कि आप लोग उससे मतलब मस्त तरीका से कर पाओगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे ब्रश पे क्लिक कर देंगे एंड ये सब ब्रश को छोड़ देना, ठीक है ना। मैं जो यूज करता हूँ भाई पर्सनली, और भाई सब मतलब जितना भी एडिटर है सब इसी ब्रश को यूज करता है, ठीक है ना, इन्हीं सब में से करता है। तो मैं इस ब्रश को सिलेक्ट कर लूँगा एंड इसका सेटिंग मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ, ठीक है ना। हाँ, कुछ इस टाइप से आपको ये सेटिंग रख लेना, यहाँ पे जैसे मैं रख रहा हूँ। एंड भाई आपको फेस को जूम करके यहाँ पे देखो आप लोग कैसे करते हो, मैं ये बता देता हूँ, ठीक है ना। यहाँ पे पहले देखो मैं कैसे करता हूँ, पहले देख लो, ठीक है ना। और आप लोग कैसे करते हो वो भी मैं दिखा देता हूँ, इसलिए आप लोगों से गलती हो जाता है। यहाँ पे भाई जैसे मैं यहाँ पे जूम करके यहाँ पे अच्छा से मैं यहाँ पे फेस स्मूथ कर रहा हूँ, एकदम धीरे धीरे, एकदम हाथ को हल्का हल्का मतलब बैठा कर अच्छा से कर रहा हूँ, ठीक है ना। और आप लोग कैसे करते हो ये मैं अभी आप लोगों को शो कर देता हूँ, तभी आप लोगों से गलती होता है और काला धब्बा आ जाता है, और आप लोग बोलते हो कि अच्छा से फेस स्मूथ करना नहीं आता, ठीक है ना। तो देखो मेरा देखो कितना एकदम अच्छा से फेस स्मूथ हुआ, ठीक है ना। और आप लोग कैसे करते हो ये देखो, एक ही जगह ऐसे ब्रश को चलाते 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 काला धब्बा लाते लाते, कुछ इस टाइप से आप लोग एक ही जगह आप लोग चलाते रहते हो, ठीक है ना। यहाँ पे देखो कितना बेकार लग रहा है, ठीक है ना। तो भाई ये ऐसे नहीं करना, ये राइट है, ठीक है ना। तो हम लोग इसको मिटाते हैं, रिमूव करते हैं एंड भाई आपको क्या करना, फेस को जितना जूम हो सकता है ना उतना जूम करके अपना फेस को अच्छा से स्मूथ कीजिएगा, ठीक है ना। एंड यहाँ पे देख सकते हो मैं कितना एकदम मस्त तरीका से यहाँ पे अपना फेस को अच्छा से स्मूथ कर रहा हूँ। एंड भाई आप लोग भी एकदम मस्त तरीका से यहाँ पे अपना पिक को इनपुट करके स्केचबुक एप्लीकेशन में, और जितना जूम हो सकता है और भाई जितना समय दे सकते हो उतना बढ़िया, ठीक है ना। आप लोग जितना समय दे सकते हो फेस स्मूथ करने में उतना बढ़िया, आप लोग जितना समय दोगे ना भाई उतना अच्छा से होगा। और भाई ब्रश को एक ही जगह नहीं चलाना, ठीक है ना, एक ही जगह चलाते 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 ऐसे मतलब ख़राब हो जाएगा, ठीक है ना, काला धब्बा आ जाएगा और मोटापन हो जाएगा और भाई फोटो एकदम बिल्कुल बेकार लगेगा, ठीक है ना। एंड यहाँ पे मैं आप लोगों को करके दिखाता हूँ कितना एकदम धीमी धीमे कर रहा हूँ, और कितना अच्छा से यहाँ पे देख सकते हो आप सभी के सामने में कितना एकदम मस्त तरीका से यहाँ पे फेस स्मूथ हो रहा है भाई साहब, ठीक है ना। तो आप लोग भी कुछ इस टाइप से यहाँ पे कर लीजिएगा। एंड यहाँ पे आप लोग क्या करते हो, गलती यहाँ पे मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ सारा मैं गलती, और भाई सब मैं सब कुछ बता देता हूँ, ठीक है ना। और आपको मैं भाई बता ही दिया, आपको जितना समय दे सकते हो उतना समय दो फेस स्मूथ करने में, और ऐसे नहीं करना, ठीक है ना। यहाँ पे जैसे मैं ब्रश को चला रहा हूँ एक ही जगह, देखो कितना बेकार लग रहा है, ठीक है ना। तो ऐसे नहीं चलाने का, ठीक है ना। आपको भाई धीरे धीरे आपको एक जगह नहीं चलाने का, ठीक है ना। यहाँ पे जूम करके यहाँ पे देखो मैं कितना अच्छा से यहाँ पे फेस स्मूथ कर रहा हूँ, यहाँ पे हो गया। अब यहाँ पे करूँगा, यहाँ पे देखो कितना अच्छा से यहाँ पे फेस स्मूथ होगा, ठीक है ना। तो आप लोग क्या कीजिएगा, अपना फेस को अच्छा से मतलब मस्त तरीका से यहाँ पे स्मूथ कर लीजिएगा, ठीक है ना। एंड यहाँ पे देख सकते हो कितना गर्दा तरीका से यहाँ पे स्मूथ हो रहा है। एंड यहाँ पे गला पे भी आप लोग एकदम मस्त तरीका से जितना समय दोगे भाई उतना अच्छा से होगा। और भाई मुझे तो 20 से 30 मिनट लगता है भाई, आप तो फिर भी नए हो, ठीक है ना। तो आप लोग समय दिया करो, अगर वाकई में आपको अगर एडिटिंग सीखना है सही में तो भाई समय दिया करो, ठीक है ना। तो भाई चैनल पे अगर नए हो तो सब्सक्राइब कर लो, और भाई लाइक कर दो, कमेंट कर दो, भाई सब्सक्राइब करना भूलना मत, ठीक है ना।